नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ऐसे मजेदार सा स्नैक। आप खाओगे तो आपको मजा आएगा, बहुत ही जबरदस्त है। फिलिंग इसकी इतनी टेस्टी है कि आपको बस मजा ही आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कोई भी एक पैन या कोई भी इस तरह से कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। तो दो बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल के डाल देने और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दो लहसुन के फ्लेक्स इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके। तो इसको जो है हल्का हल्का हम सॉटे कर लेंगे। इसके साथ ही हम अदरक डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। लहसुन और अदरक को हल्का हल्का मोटा रखेंगे और इस तरह से इसको हल्का हल्का पिंक करेंगे। तो लगातार हिलाते हुए हल्का हल्का हमने इसको कलर चेंज होने तक इसका जो है हमने इसको सॉटे कर लेना है। इसके साथ ही जब भी हल्का हल्का सॉटे हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने लंबा लंबा कट कर लिया और इस तरह से इसकी जो फ्लेक्स अलग अलग कर लिए। तो चार हमने प्याज दिए मीडियम साइज के और वो हमने काट के इसको इस तरह से डाल दिया। इसको हम लगातार इस तरह से हिलाएंगे और इसको हल्का जो है गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, हल्का पिंक सा कर देंगे। आप देख सकते हो ये हल्का हल्का जो है इस तरह से पिंक हो गया। और जब हल्का हल्का ये पिंक हो जाए इसके अंदर एक कैप्सिकम डाल देंगे। एक हमने बड़े साइज के कैप्सिकम ले लिए, आपके पास छोटी हो तो दो ले लीजिए। इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे और वो कैप्सिकम सारी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी इस तरह से हिला के और अच्छे से इसको सॉटे करेंगे। आप देख सकते हो हल्का हल्का सा ये पिंक होने लगा। और इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे दो टमाटर। टमाटर बिल्कुल लाल रंग के ले लेंगे, रेड टमाटो, और हल्के सॉफ्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसको भी इस तरह से काट लेंगे और इस तरह से अच्छे से इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। लगातार हिलाते हुए हमें इस तरह से मैश करते रहना और इसको लगातार हिलाते रहना। इसके साथ ही जब हम टमाटर डालें तो बारी आती है नमक। नमक डालने से क्या होगा कि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट जल्दी हो जाएंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हम इसे डालेंगे आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके साथ ही इसे डालेंगे लाल देखिए मिर्च एक चम्मच, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। 1/3 स्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने तेज ही रखा हुआ है और इसमें जो है अच्छे से हमने मिक्स करके इस तरह से मैश करते रहना। टमाटो तुम्हारे हल्के हल्के सॉफ्ट थे, नमक डालने के बाद ये जल्दी जो है और सॉफ्ट हो गए। बस इसी तरह से हमने इसको पकाना। जब ये हल्का हल्का इस तरह से सॉफ्ट हो जाए टमाटर तो हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। पनीर के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए और पनीर हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया, आप देख सकते हो कितना ये सुंदर लग रहा है। आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना टेम्पटिंग। गैस को हल्का कर लेंगे और बस इसको आते हुए इस तरह से हल्की पक जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को फ्लेम कर देंगे बंद। अब हम लेंगे कुलचे। ये बाजार में मिलते हैं कुलचे इजीली, तो आप ले सकते हो। मैंने ये कसूरी मेथी मेरे लिए, आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हो। ये प्लेन भी मिलते हैं इस तरह से, तो मैंने जो ये कसूरी मेथी मेरे लिए। इसके साथ ही मैंने लिए ये लैटस और लैटस को हम ऊपर से इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे और इसकी जो लीफ वाला पोर्शन है बस वो रहने देंगे इस तरह से। ये देखिए कुलचा कितना टेम्पटिंग लग रहा है। पहले मैंने जो आपकी पनीर कुलचे की रेसिपी डाली थी आपने सबसे बेहद पसंद करी है, उसकी फिलिंग भी बहुत टेस्टी थी और ये उससे भी ज्यादा जो है टेस्टी बनेगा। आप क्रस्ट देखिए इसके ऊपर का, क्रस्ट कितना क्रिस्पी और कितना मजेदार सा ब्राउन, बिल्कुल बढ़िया सा इसका कलर आया और बहुत ज्यादा ये टेस्टी लग रहा है। और फिलिंग आप देखिए इसकी फिलिंग भरा पड़ा है फिलिंग से और बहुत ज्यादा यमी इसकी फिलिंग है। और ये जो सैलेड और हमने सॉसेज डाली है ये इसको और चार चार लगा देंगे, इसके टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक कुलचा इस तरह से और इसके ऊपर लगा लेंगे अपनी सॉस। तो सबसे पहले हम इसमें पिज्जा सॉस लगा देंगे इस तरह से, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, तकरीबन आधे चम्मच के करीब छोटा स्पून ले लेंगे, 1/2 चम्मच ले लेंगे और उसको अच्छे से हमने इस तरह से स्प्रेड कर लेना। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे मेयोनीज। मेयोनीज इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है, तो मेयोनीज लगा देंगे। लेकिन मेयोनीज हम लगाएंगे दूसरे कुलचे में, बैक साइड पे लगाएंगे, इस साइड पे नहीं लगाएंगे, हमने बैक साइड पे लगा लिया। तो इसमें हम लगा लेंगे मेयोनीज। तो एक चम्मच भरकर मैंने मेयोनीज का ले लिया, वो लगा सकते हो। जौन सी भी सॉस आप ज्यादा पसंद करते हो आप उसकी क्वांटिटी जो है अपने टेस्ट के अनुसार इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं ले लूंगी 1000 आइलैंड सॉस और एक स्पून हम 1000 आइलैंड सॉस लेंगे, वो हम पिज्जा सॉस के ऊपर लगाते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और ये मिक्स हर्ब स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इससे। और अब हम इसमें डाल देंगे लैटस लीव्स। तो ये लैटस लीव को हमने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं उल्टा इस तरह से, थोड़े से लीव्स जो है बाहर को रखेंगे और इस तरह से हमने स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। लैटस लीव हमने इस तरह से लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने जो बैटर बनाया वो इसके ऊपर लगा दिया। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें, अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर दिया।
देखिए इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर देंगे और अब हम इस पे लगाएंगे अनियंस। अनियंस के रिंग्स इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से रिंग्स निकाल लेंगे और ये रिंग्स इस तरह से स्प्रेड करेंगे और अब दूसरा वाला कुचा जो है वो इसके ऊपर इस तरह से हमने रख देना। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से रख के अब हम आप चाहे तो इसके बटन लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो या कोई भी कुकिंग ऑयल कर सकते हो। तो इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और ग्रिलर को जो है प्री हीट करने के लिए हमने पहले से ही रख दिया, अब इसको हम फिट कर देंगे। ग्रिलर को हमने प्री हीट कर लिया और थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम अपना कुलचा इस तरह से और ऊपर से हम इसको कर देंगे क्लोज। और इसको जो है हम तब तक हमने इसको ग्रिल करना है जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये लग रहा है ना बढ़िया। ये ग्रिल हो चुका है अच्छे से, इसको हम निकालते हैं। अब हम ऊपर से लगाएंगे हल्का सा बटर, इस तरह से मेल्टेड बटर हमने लगाना है और इसको जो है हम कट कर लेंगे। तो लीजिए बढ़िया से फिलिंग हमारी तैयार है और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना टेम्पटिंग। तो हम लेंगे एक प्लेट जिसमें हमने इसको इसकी प्लेटिंग करनी है और इस तरह से लैटर लीव्स को इस तरह से लगाते हैं। तो इस तरह से हमने लीव्स को स्प्रेड कर देना है और अपना जो हमारा कुलचा है इस तरह से इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना लीजिए, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी था हमारा जो है ये कुलचा जो है स्टफ कुलचा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी है। इसे आप इसी तरह से सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।